वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सिखलाने के लिए जहाँ पर समय समय पर एक्टिविटी चलती रहती है, तो आज यहाँ पर जो जो एक्टिविटी चल रही है बच्चों को ड्राइंग बनाना और ड्राइंग कैसे बनाएं, ये सब स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन ड्राइंग जो है कैसे बनाएं और जो स्कूल नहीं जाते उनको भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो, तो ये सब लोग यहीं पर हैं। और देखिए ये सब झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, ये इनके रूप है, जहाँ पर ये छत पड़ी हुई है और ये पक्की छत है जहाँ पे ये लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से और साथ ही ये लुधियाना शहर का जो बुड्ढा दरिया है वो भी साथ ही बह रहा है। तू नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? और ये देखें जो हमारे लुधियाना शहर में माइग्रेट लोग हैं जो रेंट पर रहते हैं उनको बेड़ा बोलते हैं पंजाबी में, सभी के यहाँ डिश भी लगे हुए हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, सभी के देखे डिश लगे हुए हैं यहाँ पे और सभी के पास कूलर भी हैं। और देखिए अभी हमने आपको दिखाया लुधियाना शहर में ये जो बच्चों को सिखलाया जाता है कि आप पेंटिंग कैसे करें, और जब ये इकट्ठे होकर एक ही जो बेड़े में रहते हैं, जो एक ही एरिया में मोहल्ले में रहते हैं, जब ऐसे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ करने की भावना पैदा होती है कि हम भी कुछ करें। हमें भी आता है।